लाया था, इन्हीं के लाया था। दफा 370-35A, ये वो दोनों संविधान के अनुच्छेद थे जिन अनुच्छेदों के ऊपर जंग थी। केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया और दोनों अनुच्छेदों को नल कर दिया, वॉइड कर दिया, खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय देश के साथ हो चुका है और आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बल्कि भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि एक समाज के लोग, आप, मैं चाहूंगा कि जरा इस समाज के इन लोगों की तरफ आप देखें। ये सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं। इन लोगों को, इस समाज के लोगों को 1956 में जम्मू कश्मीर लाया गया जब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। इस समाज के लोगों को जिस समय लाया गया, इनसे ये वादा किया गया था कि आपको तमाम वो हकूक मिलेंगे जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर आम नागरिक के पास हैं। सदियां बीत गई और अगर आप टोटल लगाऊं मैं तो लगभग 62 साल तक ये समाज इंतजार करता रहा कि कोई तो आए, कोई तो इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि हमारे बच्चे भी झाड़ू मारने का काम, गंद उठाने का काम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रेडी को धक्का देने वाला काम, लोगों के घरों से कूड़ा उठाने वाला काम, ये काम बंद करके सरकारी मुलाजमत करें, आईएएस करें, आईपीएस करें, केएस करें, केपीएस करें। हर सरकार को ये मेमोरेंडम देते, हर सरकार से ये गुहार लगाते कि जनाब हमारी बात सुनिए, हमारे बच्चों का भी कुछ ख्याल कीजिए, लेकिन किसी सरकार ने इनकी नहीं सुनी। और आज जब भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया, वाल्मीकि समाज के लोग ढोल नगाड़े लेकर सड़कों पर आ गए, खुशी इस चीज़ की कि अब हमारे बच्चे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा जम्मू कश्मीर में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंटों में अपनी अर्जी लगा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन भर सकते हैं। यानी क्या, मैं वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों की भी बात करूंगा बाद में, लेकिन पहले वाल्मीकि समाज की कि क्या आपने भारत में किसी भी प्रदेश में इस तरह की दुर्गति किसी एक समाज की देखी है कि जिसे इस वादे पे जम्मू कश्मीर लाया गया था कि आप जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो आपको वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जिन अधिकारों का आप हक रखते हैं, मगर ये समाज झाड़ू मारता ही रह गया। मेरे साथ इस समाज के कुछ लोग हैं, कोशिश करूंगा कि आप तक इनका दर्द पहुंचा सकूं, इनकी तकलीफ पहुंचा सकूं, इनकी पीड़ा पहुंचा सकूं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम जंग बहादुर है जी। जंग बहादुर जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि 1956 में आप आए, वादा आपसे ये था कि आपके, आपको वो तमाम अधिकार दिए जाएंगे जिन अधिकारों का आपको हक है। क्या तकलीफ होती थी, दिल में दुख होता था कि मेरा बच्चा, मेरा पोता क्या झाड़ू ही मारता रहेगा पूरी जिंदगी? देखिए सर, इससे तकलीफ तो हमें बहुत होती थी। फोर्थ जनरेशन हो गई है, वो बेचारे ऐसे ही चले गए और 6 दशक हो चुके हैं कि हमारा समाज आज भी झाड़ू मार रहा है और आगे भी इनकी जो आशा थे ना, होपलेस हो चुके थे कि हम झाड़ू ही मारते मारते हमारा जो अंत हो जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, उससे मेरा जो समाज है आज अपने आप को आज़ाद समझता है। मैं समझता हूँ कि 1947 की जो आज़ादी थी वो भी हमारे लिए अहम थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जो आज़ादी है आज जो हमारे समाज को मिली है, वाल्मीकि समाज को, चाहे वो क्रिश्चियन समाज था, चाहे वो सफाई कर्मचारी था, उसको जो मिली है वो हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ी आज़ादी है। कैसा महसूस होता था? आप गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क के बिल्कुल साथ में आपकी लोकेलिटी है और आपकी लोकेलिटी जब मैं घूमा तो मैंने देखा कि कूड़ा क्रिकेट भी है, मच्छर भी है, वो जो बेसिक सुविधाएं आपको होनी चाहिए थी वो नहीं है, और अगर है कुछ तो बच्चे बेकार हैं, अंदर गलियों के अंदर घूम रहे हैं, परेशान हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपके इस छोटे से मोहल्ले में देखी। कभी दुख होता था कि भाई हम भी यहाँ मेहनत करते, कोई दूसरी बड़ी नौकरी करते, कोई बड़ा कारोबार करते जिससे हमारी भी बड़ी कोठी होती, हमारी भी तरक्की होती?
देखिए जो हमारा नौजवान था, हम कई बार सभा करते थे, उनको पढ़ने के लिए बोलते थे, वो आगे से हमें कोसते थे कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो हम अपने बुजुर्गों को कोसते थे, आपने हमारे लिए क्या किया। तो वो ये चाहते थे कि हम भी पढ़े लिखे आगे जाएं, और वो कहते थे हम पढ़ लिख के क्या करेंगे, लगाना तो झाड़ू ही है। लेकिन ये जो आज हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जब हमें असेंबली का वोट डालने का हक नहीं था तो कोई भी MLA हमारी सूद नहीं लेता था। तो अब जब हमें ये हक मिल गया है तो कोई भी MLA जो खड़ा होगा वो इधर आएगा, जिसको हम वोट डालेंगे वो हमारी लोकेलिटी का ध्यान रखेगा, इसको साफ़ सुथरा रखने में हमारी मदद करेगा, हमारे समाज की तरक्की के बारे में सोचेगा। और मैं समझता हूँ कि जो आज हम भारत सरकार के साथ साथ मोदी साहब, अमित शाह जी के और पूरी पार्टी के इतने आभारी हैं जिन्होंने आज हमें ये एहसास दिलाया है कि आज आप भी आज़ाद हो। यानी आज आपको इतने सालों के बाद महसूस हुआ कि आप एक आज़ाद भारत के नागरिक हैं। जी जी, बहुत अच्छा। और हम आज हमें महसूस हुआ कि आज हम आज़ाद हैं, क्योंकि आज जो मेरा नौजवान है वो अपने आप को उत्साहित महसूस करेगा और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देकर आगे बढ़ेगा। पहले क्या था, जब मेरा नौजवान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाता था, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता था, तो उसके साथ भी कहते थे अपना स्टेट सब्जेक्ट लगा दो। और मेरा जो नौजवान बंधु था, बच्चा था, वो इतना डिसकरेज होता था, वो कहते थे देखो यार जहाँ पर हमें पढ़ने में नहीं दिया जा रहा कि ये कह रहे हैं कि इसके साथ भी स्टेट सब्जेक्ट लगा। और वो हमारे लिए बहुत कलंक था, हमारे समाज के लिए एक गुलामी की जंजीर थी जो आज टूट गई है, और इससे हम बहुत खुश हैं। चलिए कोशिश करेंगे कुछ महिलाओं से भी बात करें, यहाँ पर महिलाएं भी हैं। आपका नाम? दीपा। दीपा जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कितने सालों से आज जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं? बहुत सालों में रह रहे हैं। हमारा कोई भी, हम जेवे मिनिस्टर को जाते ही ना, हमारी कोई भी सुनाई नहीं देता। वो बोलता है स्टेप जल्ट लाओ। हाँ। जाते ही हम बोलते हैं स्टेप जल्ट दुख होता था कि हमारे बच्चे क्या पूरी जिंदगी झाड़ू मारने का काम करें। हम बोलते थे, सुनते नहीं थी। आज हमारे को बहुत खुशी है कि मोदी साहब ने बहुत गरीबों के लिए सोचा। आपको लगता है कि आज आपके बारे में सोचा गया? हाँ जी, बहुत खुशी है हमारे को। अच्छा, अब क्या सोच रहे हैं आप, अपने बच्चों के बारे में सोच रही हैं या अपने पोतों को लेकर सोच रही हैं कि आप अपने पोते को ये बनवाएंगे, इतना पढ़ाएंगे, ये करेंगे? हम यही सोचते हैं कि आगे बढ़ेंगे, हमारे पोते पढ़ेंगे और बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा काम मिलेगा, झाड़ू की नौकरी नहीं मिलेगी, झाड़ू मारने वाली नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ युवक भी हैं मेरे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल, क्या बनने का सोचा है? अब कुछ लग रहा है कि अब जीवन में कुछ और करेंगे? पहले शुरू से सपना था कि ISP ज्वाइन करेंगे, बनेंगे, पर हमें लगता था कि स्टेट सब्जेक्ट नहीं रह जाएंगे, लेकिन अब पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे? हाँ जी। मेहनत करेंगे? खुश हैं आज? हाँ जी, बहुत। देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने आपके लिए फैसला किया? हाँ जी। खुश हैं? हाँ जी, बहुत। तो आपने सुन लिया, ये वाल्मीकि समाज की कहानी है कि इस समाज को लगभग 63 साल बाद, 1956 के बाद 63 साल बाद इस समाज के साथ इंसाफ हुआ है, और अब इस समाज के लोगों को ये लग रहा है कि अब वो सुविधाएं जो सब लोगों को मिलती हैं इनको भी मिलेंगी, और इनके बच्चे भी अब बाबू बनने का सपना देख सकते हैं।